हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना विद्यापीठ में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं, एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो केमिस्ट्री के बादशाह, केमिस्ट्री के किंग कहे जाने वाले मोहित सर। उन्होंने अभी अभी फोन किया था, अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं 2 मिनट के अंदर, और मैंने कैमरे को सेट कर दिया है ऐसी जगह जिसे मोहित सर देख भी नहीं पाएंगे और जान भी नहीं पाएंगे। उनसे बिना बताए हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं और उसका आंसर जानने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा, और मोहित सर कैमरे को जान नहीं पाएंगे जिसकी वजह से बहुत मजा आने वाला है। वो पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, 2 मिनट उनका इंतजार करते हैं, उसके बाद उनके लिए मैंने पहले से ही चेयर लगा करके रखा हुआ है। मोहित सर आ चुके हैं, उनकी गाड़ी खड़ी हो गई है, अब उनको बस रिसीव करके ले आता हूं। आइए 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 आइए, बैठिए, आपके लिए पहले से चेयर लगी हुई है, बैठिए आप आराम से। और सर बस सब बढ़िया है, और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ तो आप तो आते भी नहीं हैं। अरे सर इतने दिनों के बाद आए हुए हैं। सर जब बुलाओगे तभी तो आएंगे। ये भी बात सही है, बुलाते हो नहीं ऐसे कैसे चले आए भाई। बात सही है। और क्या चल रहा है सब, वीडियो वगैरह बन रही है? वीडियो वगैरह बन रही है, कभी कभी अपलोड होती है। बच्चे आपकी बहुत बड़ाई करते हैं। अरे सर बड़ाई क्यों नहीं करी? समझ में ये नहीं आता कि आप ऐसा पढ़ाते क्या हैं कि जिस भी बच्चे से पूछो सिर्फ मोहित सर कहते हैं। बच्चे कि कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो मोहित सर पढ़ाए और समझ में ना आए। ऐसा क्या पढ़ाते हैं आप? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर। अरे केमिस्ट्री तो पढ़ाते हैं, लेकिन ये और भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आता, आप ही का नाम जपते रहते हैं बच्चे, ऐसा क्या है? बच्चे जो है ये सोचते होंगे कि मोहित सर छोटे हैं, तुमको ज्यादा प्यार देते हैं। यही है ना, सब बच्चे सोचते होंगे कि मतलब मोहित सर आप ही क्या है, ये तो नहीं पता, लेकिन भाई बच्चे आपको बहुत मानते हैं। और एक क्वेश्चन और है आपसे। जी सर बताइए। वैसे ये क्वेश्चन आमतौर पर लोग लड़कियों से कहते हैं, लड़कियों से पूछते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप ऐसा क्या खाते हैं कि आप इतने स्मार्ट लगते हैं हर वक्त? और भी एक बात है कि लोग गेम खेल करके थकान महसूस करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप क्रिकेट खेल करके रिचार्ज हो जाते हैं। ऐसा क्या खाते हैं आप? दोनों चीजों का राज बताइए। पहला ये कि रही खाने की बात, तो खाने में क्या है, ऐसे नॉर्मली हम लोग जैसे सब लोग खाते हैं ऐसे खाते हैं, और ऐसे एक मजाक की बात बताते हैं कि हम गेम ही खाते हैं इसलिए ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा तो ये राज। और दूसरा जैसे क्रिकेट की रही बात, तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है सभी लोगों का अपना अपना पसंद होता है, तो मुझे क्रिकेट ज्यादातर पसंद है। और दूसरा ये है कि क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट है जिसमें लगभग तुम सब तरफ से फिट रहते हो, वो इंटरेस्टिंग में है हमारे और अच्छा लगता है, तो आपका इंटरेस्ट भी है और फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। इंस्पिरेशन जो है हमारे वो महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय तो बोर्ड एग्जाम की डेट भी नजदीक आ गई है, डिक्लेयर हो गई डेट, 16 बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है। बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करें कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ सके? अब जैसे कि भाई बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, महीना मैक्सिमम है, बिल्कुल। तो किस तरीके से पढ़े बच्चे कि अच्छा नंबर आ सके? मतलब ऐसे मैं 2-3 बातें बताता हूँ। पहली चीज तो ये है कि अगर बोर्ड पेपर में ज्यादा नंबर या अच्छे मार्क्स लाने हैं बच्चों को, तो सबसे पहली चीज है रेगुलर वो स्टडी करे, सबसे पहली बात। ये तो सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है कि रेगुलर अगर नहीं करेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे मान लो कि कुछ बच्चे करते नहीं कहते, जैसे कुछ चीजें मान लो कठिन आ गई तो क्या कर देते, स्किप कर देते हैं, और स्किप ना करें, कंटिन्यू जो चीज उनको समझ में आ रही है, सभी टीचर लगभग हम लोग जुड़े हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। तो मेरी समस्या जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में समस्या होती है तो हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, या कोई भी हो तो ऐसा करें, मैक्सिमम बच्चों के पास आज 15 जनवरी हो ही गई,
तो एक महीना का टाइम है, एक महीने का टाइम है मान लो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो अगर बच्चा एक एक डेरिवेशन फिजिक्स का या केमिस्ट्री का तैयार करता है तो कम से कम 30 डेरिवेशन, दो दो डेरिवेशन तैयार करता है, 30 डेरिवेशन या 60 डेरिवेशन आराम से हो जाएंगे। फिर अब कोई भी बच्चा होगा इतनी किस्मत खराब भी नहीं होगी कि सारे डेरिवेशन करे और उसमें 10 में से ही ना 10 से ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यही चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो है, ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर पर डे मेहनत करें, कंटिन्यू करें और रेगुलर मेहनत अगर करते रहें तो रिजल्ट अच्छा है। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत से नहीं पढ़ा, शुरुआत से नहीं पढ़ा, फिर बीच में क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी सोते लाओ कि सब हम सब घसीट लें, तो फिर उसमें मैनेज नहीं होता, उसमें मैनेज नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे ने स्टार्टिंग से बहुत अच्छी डीप स्टडी नहीं की है और अब लास्ट टाइम पर आ गया, एक महीने बचा हुआ है, तो इस एक महीने में ऐसा बच्चा कैसे रिवीजन करे, कैसे क्या करे? ऐसा एक अब हम राज की बात बताते हैं। राज की बात ये है, मैंने आपसे कॉल किया था और क्लियरली नहीं बताया था कि मैं किस लिए आ रहा हूँ। मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चों का भला हो, ठीक। मैं वन शॉट में बच्चों को 5 से 6 लेसन केमिस्ट्री के करा दूंगा आपके ही चैनल, इंपॉर्टेंट ये तो बहुत अच्छा है, ये आप ही के चैनल पर करवा दूंगा। और जो भी 5 लेसन होंगे मैक्सिमम उसके 5 वीडियो मिलेंगे, तो जो बच्चों को 5 लेसन, 5 चैप्टर, 5 चैप्टर बिल्कुल, और उसमें विथ न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ, न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ रहेगा। लेकिन बस इतना करिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इंटर लेवल का, बोर्ड लेवल का ही पढ़ाइएगा। आपसे बड़ा डर लगता है कब आप हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, नीट और आईआईटी की टीम से बताने लगते हैं, ये ना करिएगा, क्योंकि अब इस समय पर ये जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में बच्चे अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। तो हमें जो पढ़ाई इस समय करना है या कराना है वो बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराना, तो बोर्ड से हाई लेवल का नहीं जाएगा, हाई लेवल का नहीं जाएगा। दूसरा ये है कि जैसे 5 लेसन में करवाऊंगा जो बता रहा हूँ, तो उस लेसन में क्या होगा, टोटल बोर्ड से होगा और 100% इम्पोर्टेंट, कुछ बाहर का नहीं होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नीट आईआईटी नहीं जाऊं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर एक्चुअली नीट आईआईटी के अगर स्टैंडर्ड लेवल का आप पढ़ा लेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। और अब वही चीज नहीं है कि टाइम ही अपने पास नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के। और एक चीज पूछे हम सर आपसे कि सर हम आए, आपने हमसे कारण भी नहीं पूछा क्यों आए, मैं खुद ही बता दिया, और दूसरा आपने चाय भी नहीं पिलाई अभी अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाय की व्यवस्था होगी। अंकित चाय बनाओ भाई, चाय बनाओ, चाय चाय बन रही है, चाय आपको मिलेगी, चाय पीके फिर जाते हैं। सब ठीक है, बहुत अच्छा। ले वैसे आप अपने बारे में कभी भी बच्चों से या टीचर से कुछ भी जनरली शेयर बहुत कम करते हैं आप? नहीं आप फ्रेंकली ये थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, ये लेकिन फिर भी काफी चीजें बातें होती हैं। आज मैं ये चाहता हूँ कि आज आप कुछ ऐसी बातें बताइए, कुछ ऐसा इंस्टेंट बताइए लाइफ का, कोई भी मोमेंट बताइए जिसे आप लोगों से ना शेयर किए, ऐसा कुछ। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं, लेकिन ऐसे मुझे एक बात ध्यान आती है कि हम इंटर में पढ़ते थे, इंटर में, हाँ, ये बहुत बढ़िया है, इंटर की स्टोरी। तो इंटर में ही थे, तो वही सरस्वती वगैरह में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते होंगे, वहाँ निरीक्षण होता था। अच्छा, निरीक्षण में ये होता था कि बाहर के टीचर आते थे और हमारे टीचर का और हमारे बच्चों का, इन दोनों लोगों का निरीक्षण करते थे कि कैसा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, मतलब एक तरीके से बच्चों का नॉलेज चेक किया, नॉलेज चेक किया जाता था। बाहर से आते थे 3-4 दिन, 6-5 दिन जो भी होता था रुकते थे। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि हम और हमारे क्लास टीचर सर्वेश सर फिजिक्स पढ़ाते थे, वो पहला ही पीरियड था, तो अटेंडेंस वो लगाए, इसके बाद वो पढ़ाने लगे अपना डेरिवेशन वगैरह। और मैं शुरुआत से ही 9th से लेकर इंटर तक मैंने क्या किया कि बैक बेंचर ही रहा, हमेशा 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 पीछे बैठते थे। पीछे होता ये था कि 4-5 दोस्त थे, और ऐसा नहीं है कि मैं पीछे बैठता था तो मैं शैतानी भी बहुत अच्छी करता था, पढ़ता भी बहुत अच्छा था, इसीलिए सब टीचर मतलब शैतान आप पहले से ही थे। तो इसमें बच्चे और मतलब टीचर को बहुत बढ़िया मतलब मानते थे इसी चीज के लिए, ये लड़का देखो पढ़ने में भी ठीक है, पढ़ने में भी ऐसा सब कुछ, पढ़ने में भी अच्छा है और शैतानी भी बहुत अच्छी करते थे। ऐसे ही तो हुआ ये कि एक बार वो निरीक्षण आया और फिजिक्स पढ़ा रहे थे सर,
तो पीछे से बैडमिंटन में हमारी हुलिया थोड़ा दूसरी टाइप की होती थी जब हम इंटर कॉलेज में, टपोरी टाइप में, क्या टपोरी जैसे शर्ट का बटन खुला होता था यहाँ का, ये ओपन होते थे, थोड़ा बड़े बाल, बड़े बाल थे, अब थोड़े छोटे हो गए, बाल छोटे गए यार, चार बाल बचे गए तब से वहाँ काफी बड़े बाल बाल रखते थे, तब वो मतलब अब हुलिया कोई देखो ऐसे की ये कैसा लगता है तो उसको खड़ा कर देता है। एग्जामिनर ने हमें क्या किया कि खड़े हो जाओ, मैं खड़े हो, मैं खड़ा हो गया, उसने सोचा होगा ये पीछे बैठा हुआ है और आपने बताया टपोरी टाइप में, टपोरी टाइप में बैक बेंचर को खड़ा कर दिया नाले चेक करने के लिए। तो हमसे कहा कि खड़े हो भाई, तो हम खड़े हो गए, तो हमसे कहा कि सर क्या पढ़ा रहे, तो सर एक डेरिवेशन वगैरह कुछ बता रहे थे और उसमें शायद इन्फिनिटी की कोई बात आई थी। अच्छा, इन्फिनिटी की, अनंत जिसको, उसमें फिर उसने लेक्चर वाले ने हमसे कहा कि व्हाट इज इंफिनिटी, तो हमारे गुरुजी ने हमारी तरफ इशारा किया कि नाक ना कटाना हमारी, मतलब उनको पता था कि तुम कुछ अलग से बताओगे, तो गुरुजी ने कहा कि नाक नहीं कटाना। हाँ सर्वे जी, तो मतलब वो जो सर्वे जी है उन्होंने ही मुझे सिखाया कि कैसे स्किल होनी चाहिए टीचर के अंदर, उन्होंने टीचर ही बना दिया स्टूडेंट में ही। अच्छा, उन्होंने ही सिखाया टीचिंग करने, और वो भी बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे अपने दौर में। फिर हुआ ये कि हमसे बताया कि इन्फिनिटी किसे कहते हैं, इंग्लिश में उसने डिफिनेशन पूछा कि व्हाट इज इन्फिनिटी, तब फिर मैंने सर्वे सर की नाक और अपनी आन बान बचाने के लिए मैंने इन्फिनिटी की आठ टाइप से डिफिनेशन बताई थी, इंग्लिश उनको कितना सम्मान मिला होगा इस चीज के लिए कि ये स्टूडेंट बिल्कुल इन्फिनिटी का बच्चे एक डिफिनेशन नहीं बता पाए, एक डिफिनेशन नहीं, और आपने आठ आठ डिफिनेशन बताई होगी इंग्लिश में, और जबकि सरस्वती पूरा हिंदी मीडियम में हुआ करता था। यही है कि तो अपने यहाँ के बच्चे सोचते हैं कि मतलब ये बात मैंने कभी शेयर नहीं की किसी से, पर ये है कि बच्चे अपने यहाँ की सोचें कि देखो एक टीचर मेरा जब इंटर लाइफ में था तो ऐसा कर सकता है, तो मेरे अंदर क्या पोटेंशियल नहीं है, बिल्कुल पोटेंशियल है, बस मेहनत करना स्टार्ट करना चाहिए, बस यही है, मेहनत करें। नहीं बहुत अच्छा इंस्टेंट सुना है, बहुत अच्छा लगा ये, और थोड़ी बहुत ये बातें हो रही है कि डेफिनेशन आठ टाइप से आपने बता डाला और थोड़ी वो भी सोचा होगा कि ये बैक बेंचर है या क्या है वो ही क्या पूरा वो मिल गया होगा भाई, उसे भी आठ टाइप से नहीं पता रहा होगा, वो सोच रही कौन आ गया भाई यही सब है। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आपको चलते हैं चाय चाय पिलाते हैं, इसीलिए बस चाय पीने के लिए चाय पियेंगे, और बस ये इतना है कि जो वीडियो आप बनाइएगा वो सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल का ही बनाइएगा, बोर्ड लेवल का ही बनाइएगा, नीट आईआईटी लेवल बिल्कुल नहीं जाएंगे सर। अंकित चाय बन गई।